का कैप्टन विजयंत थापर वीर चक्र जो 1999 की लड़ाई में टोरोलिंग और नौल की लड़ाई में शहीद हुए थे उनका पिता हूँ और यहाँ नोएडा में। आज मुझे बड़ा गर्व है कि पूरे देश के जवान यूथ जो है वो विजयंत से प्रेरणा लेते हैं और विजयंत जैसे बाकी जो शहीद हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये जज्बा जो है वो हर देशवासी में होना जरूरी है, क्योंकि वो देश जो अपने वीरों की सम्मान नहीं करता है, वीरों का सम्मान नहीं करता है, वो पतन की तरफ बढ़ता है। तो हमें ये याद रखना है कि हमारे जो वीर हैं उनकी स्मृति को हमेशा याद रखना है और कायम रखना है, क्योंकि जब तक वीर है तब तक ही हमारा देश है। बाकी आपको पता ही है कि विजयंत मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण जो थे भारत माता के लिए निछावर कर दिए और वो एक शहीद का दर्जा उन्होंने। और मुझे इस बात का बिल्कुल एक तरह से दुख भी है, क्योंकि हर पिता को दुख तो होता ही अपने बेटे के जाने का, लेकिन बहुत गर्व है कि जिस तरह से वो गए युद्ध भूमि में, वो किसी किसी भाग्यवान लोगों को ही इस तरह की मौत मिलती है जो हाथ में हथियार सामने दुश्मन और लड़ाई करते हुए उन्होंने अपने माथे पर गोली खाई और अपने सिपाही की बाहों में अपने प्राण त्याग। तो ऐसी जो मृत्यु है वो बहुत बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है और पूरा देश हमारे इस बेटे पर गर्व करता है और मुझे कभी भी ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि हमारा इतनी बड़ी क्षति हो गई है। रोज़ सौरभ की तरह लोग आते हैं, मिलते हैं और विजयंत को दिखाते हैं, यही हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात। और सर आपकी फैमिली? अच्छा, मैं 1962 में सेना में गया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी में 1959 में गया था और उसके बाद में जो लड़ाइयाँ हुई 65 की, 71 की और अपने बेटे के थ्रू 99 की लड़ाई, तो सब मैंने करीब से देख ली है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल कारगिल द्रास जाता हूँ, जहाँ उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। पहले मैं ऊपर तक जाता था जहाँ कैप्टन साहब लड़े और शहीद हुए थे, उनकी ये इच्छा थी कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ जाकर देखूँ कि उन्होंने कहाँ लड़ा है। तो 15-16 साल तो मैं जाता रहा, लेकिन अब उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए वहाँ जाना संभव नहीं है, लेकिन साथ में एक और पहाड़ है उसी पहाड़ की बेस तक जाता हूँ और अपने बेटे को नमन करता हूँ। और ये सिलसिला जो है वहीं पर ख़त्म नहीं होता, मैं सारे शहीद परिवारों के संपर्क में रहता हूँ और ये सब पहले मेरे पिताजी भी सेना में थे और मेरे दादाजी भी सेना में थे। इस तरह से विजयंत जो है वो चौथी पीढ़ी का अफसर था और जहाँ तक सेना का संबंध है उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो सेना के अलावा किसी और क्षेत्र में जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे युद्ध जो है उन्हीं के सहारे पर सारे ये देश के जो है भविष्य है और वो जिस तरह से करेंगे, कभी भी याद रखना है, कभी भी ऐसा कोई काम ना हो जिससे देश को क्षति पहुंचे, हमेशा देश को आपकी तरफ से कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, ये सोचना है। और कि मैंने दूसरों के लिए क्या किया, मैंने अपने देश के लिए क्या किया, इसको ही धन्यवाद। मैं हमेशा अपने देश का झंडा बुलंद रखूंगा, मैं मौत के बाद अपनी आंखें दान करूंगा।
मैं सिगरेट, शराब, मांस और अंडों का सेवन नहीं करूंगा। मैं कभी अपनी आंखों में नहीं गिरूंगा। मैं एक बच्चे को गोद लूंगा। मृत्यु से पहले मैं राम को याद करूंगा। विजयंत ने अपने माता पिता को जो चिट्ठी लिखी उसमें पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। उम्मीद है जब मेरी चिट्ठी आपको मिलेगी आप तोलोलिंग में टू राजरिफ की फतह की खबर सुन रहे होंगे। हमें इसके लिए बैटल ऑनर मिलने वाला है। हमने एक अफसर गंवा दिया। उम्मीद है उन्हें परमवीर चक्र मिलेगा। मैं अभी तक तो जिंदा हूं पर अगले अटैक का मालूम नहीं। यहां जिंदगी बहुत मुश्किल है। 16,000 फीट पर हर तरफ बर्फ है, लाशें बिखरी हैं, पर अब मुझे इस बमबारी की आदत हो गई है। प्लीज 14 से 18 तारीख तक के सारे अखबार बचा कर रख लीजिएगा। लव, रॉबिन। कर्नल रविंद्रनाथ जो इनके सीओ थे उन्होंने विजयंत को वायरलेस पे कहा कि विजयंत तुम थोड़ा सा पीछे आ जाओ, सिर्फ 50 कदम नीचे पीछे आ जाओ और अपने आड़ में रहो। अब हम पाकिस्तानियों के पीछे आ चुके हैं और ये कहीं नहीं बच के जा सकते, सुबह हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। तब विजयंत ने उनको जवाब में कहा था कि देखिए यहाँ पे आने के लिए हमारे 8 सिपाही शहीद हो गए हैं और कितनों को गोलियाँ लग चुकी हैं। अब मैं इसको छोड़ के पीछे आया 50 कदम या जितना भी आप चाहते हैं तो फिर दोबारा दुश्मन आ जाएगा, मैं नहीं जाने वाला पीछे। ये उनकी आखिरी अपने सीओ के साथ बातचीत। प्रिय पापा, माँ, बड़ी और ग्रैनी, जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं स्वर्ग में अप्सराओं की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा होऊंगा। मुझे कोई अफसोस नहीं। अगर मैं फिर मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करूंगा। अगर आप आ सके तो प्लीज इस जगह पर आकर देखिएगा कि भारतीय सेना ने आपके कल के लिए किस जगह पर युद्ध लड़ा। जहां तक मेरी यूनिट का सवाल है, नए लड़कों को हमारे बलिदान के बारे में बताया जाए। मैं उम्मीद करता हूं हमारी यूनिट में करणी माता के मंदिर में मेरी भी एक तस्वीर लगाई जाए। प्लीज अनाथ आश्रम में दान देना बंद मत करिएगा और रुखसाना को हर महीने 50 रुपए भेजते रहिएगा। पापा आपको गर्व होना चाहिए और माँ आपको भी। मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं और मेरी असॉल्ट पार्टी के 12 और। बेस्ट ऑफ लक, खुलकर जिंदगी जीना, आपका रॉबिन। घर कब आओगे, घर कब आओगे।